नाइकी और एडिडास के स्टोर पे लाइट हाउस में कुछ फर्क नहीं रहा है। हेलो बॉयज, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आज मैं घर पे बैठा हुआ था और स्क्रॉलिंग कर रहा था, और जब मैं फारिग होता ना स्क्रॉलिंग कर रहा होता हूँ तो मेरे दिमाग में एक दो चीजें आती हैं, या तो वो कंटेंट से रिलेटेड होती हैं या तो मेरे जेब खाली करने के। खैर आज इसी तरीके से नंबर टू वाली बात मेरे दिमाग में आई, और जब बजट का इशू होता है ना तो कभी कम बजट होता है तो मेरा दिमाग जाता है बर्गर या पिज्जा पे, और अगर ज्यादा होता है तो मेरा दिमाग जाता है मटेरियलिस्टिक चीज पे। इसी तरीके से आज मटेरियलिस्टिक चीज पे मेरा दिमाग जाने वाला है। तो टुडे आई रियलाइज कि यार मेरी जिंदगी में थोड़े से जूते कम पड़ रहे हैं, तो जब भी आपके दिमाग में जूते की इमेज आती है ना तो उसके साइड में एक और इमेज आती है, लाइट हाउस। तो आज इसी तरीके से मेरे दिमाग में लाइट हाउस की इमेज आई, तो मैं सोचा है चलो लाइट हाउस चलते हैं, अपनी फैमिली को भी एक चक्कर लगवा दूंगा और मेरा काम भी हो जाएगा। लेकिन 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 जाने से पहले मैं एक और प्लेयर को ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि मेरे व्लॉग में मुझसे ज्यादा उज़ैर भाई आते हैं क्योंकि उज़ैर भाई बड़े फेमस है यार। ज्यादा फेमस मैं इस वजह से हूँ, मैं उस जैसी गली में खड़ा हुआ था, तीन बच्चे आए, बोलो उज़ैर भाई उज़ैर भाई, मैंने कहा तुम कैसे पहचानते हो मुझे, कह रहे अनस के व्लॉग की वजह से। तो आप देख रहे हैं ना, बच्चों ने आज तक मुझसे नहीं बोला लेकिन इनसे बोल दिया। खैर यार चलते हैं, अभी टाइम हो रहा है लगभग 9 के करीब, लेकिन मुझे लगता है कि लाइट हाउस इस वक्त खुला हुआ नहीं होगा, लेकिन हम लोग ब्रो थोड़ा वेट करेंगे क्योंकि जानी आज तो जूता लेके ही जाना है। ओके, नाउ वी रीच्ड एट लाइट हाउस, और यहाँ पे इतनी सारी वैरायटीज हमें देखने के लिए मिल रही है ना, मतलब हर जूते पे नजर जा रही है और समझ में नहीं आ रहा है कौन सा लें। हाँ भाई उज़ैर भाई, क्या समझ में आ रहा है फिर आपको? मसला ये है कि अनस जो है ना कि पहली बार यहाँ पर आया है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है, कहा था कि मैं सुबह 8 बजे आऊंगा। अच्छा, वो तो शुक्र है मुझे काम तो थोड़ा टेक्नो सिटी है, मैंने अपना काम किया। अभी यहाँ पहुँचे अभी 11 भी नहीं बजे, अभी आधी मार्केट बंद है, ये झूठ बोल रहे कि बहुत वैरायटी है। नहीं वैरायटी तो है यार, ये आपके सामने देख लो, दो दुकानों में तुम्हें क्या, तो अभी खुलेगी दुकान, खुलने दो आराम से, जब तक तुम चपने लो ईद के लिए लाइट हाउस से। मैंने ये पसंद किया अपने लिए। ओके भाई, यहाँ पे हम लोग अभी एक दुकान पर हैं, तो उज़ैर भाई कुछ आपको पसंद आ रहे हैं यहाँ पे? मुझे पसंद तो आ रहे हैं लेकिन लाला के रेट बाटे से भी आई है। अबे मुझे एक ही ग्रीन कलर का पसंद आ रहा है, लेकिन मामा कितने का है ये ग्रीन वाला? 3200 रुपये। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊँ, नाइकी और एडिडास के स्टोर पे लाइट हाउस में कुछ फर्क नहीं रहा है वैसे। ये लोग भी समझ गए अब, नहीं कुछ ये फर्क नहीं रहा है, कॉपीज है ना ये भी महंगी है, और इतना ना कॉपीज ना मुझे फर्क नहीं लग रहा है, ये भी पैसों में फर्क नहीं, क्वालिटी में फर्क होगा। हाँ पैसों में बिल्कुल भी फर्क नहीं, 3500 रेट बोल रहे हैं। हाँ ये 3500 रुपए, ये भी 3500, ये भी 3200 रुपए, कितना कम होगा, 200-300 वो वाली अब बात नहीं रही है जो मतलब 3-4 साल पहले थी, लेकिन लेना तो फिर भी है। तुम नहीं व्लॉग बनाते हैं आके, उसी की वजह से मार्केट खराब हुई है 25,000 व्यूज के साथ लेकिन लेना फिर भी हो यार भाई। हाँ हाँ लेंगे, अभी नीचे से उठाएंगे इंशाल्लाह। भाई लाइट हाउस में आ तो गए लेकिन आधे से ज्यादा लाइट हाउस यहाँ पे बंद है, और यहाँ पे हमने उज़ैफा को भी ज्वाइन कर लिया था, बीच में उज़ैफा को इंट्रोड्यूस नहीं कराया हमने, यहाँ पे घूम तो रहे हैं लेकिन आधे से ज्यादा मार्केट बंद है, अभी आधे घंटे में खुल जाएगी। जो मार्केट खुली हुई उनकी प्राइस इतनी हाई है कि मैं आपको रेकमेंड करूँगा आप ऑनलाइन मंगा ले तराज से, ये भी मैं ये हाँ। यहाँ के रेट बहुत हाई है, 3500 रुपए का नॉर्मल जूता है, 3500 रुपए का नॉर्मल, तो पता नहीं कितने का होगा। सर इधर मार्केट है नीचे अंडरग्राउंड, नीचे मुझे मेरा दिल कह रहा है कि मार्केट नीचे तक, तो यहाँ के रेट बहुत अच्छे होंगे। अच्छा लेकिन अच्छी दुकान है यार, चप्पलें अच्छी है यहाँ पे, देखो ये यहाँ पे ना तो यहाँ पे उज़ैर भाई चप्पलों का मतलब स्टॉक है यार, ये अच्छी है ये थोड़ी नहीं, ये ग्रीन वाली देखो, ये निकालना तो मैं तो ना ग्रीन अजीब कलर की कोई कलर है पहनने, अबे लेकिन अच्छा लग रहा है, थोड़ा बर्गर टाइप लग रहा है, यू नो बर्गर का बन है ना वो, सलाद पत्ता है ग्रीन वाला। आपको कोई पसंद आ रही है इसमें यार? ये वाली ब्लैक वाली देखो, ये लाइट वेट है, ये अम्मी खींच के मारेंगी ना तो लगेगी भी नहीं, ये ब्लैक वाली भी अच्छी है, सही है मतलब नॉर्मल है यार। इतना खुशी क्यों मिल रही तुम्हें चप्पल पहन के? हाँ सही है ना, इतनी इतनी खुशी तो होती है बंदे को, इतनी खुशी। ये देखो ये अनस के बच्चों के जूते, अभी से हमें देख लिए छोटे छोटे भाई, देख तो रहे हैं लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उज़ैर भाई ना बहुत थक गए हैं यार, ये वाले व्लॉग में वो सर्दी वाला मजा नहीं आ रहा, जो हम सी व्यू जाते थे ना गर्मी में, यही गर्मी है मजा ही नहीं है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, गर्मी में यही होगा। हमने शुरू स्टार्टिंग की वीडियो की स्टार्टिंग की थी हमने सर्दियों से, सर्दियों से की 25-30 हमने सर्दियों में, गर्मी आ गई
तो अब मुझे लग रहा है हमें शहर ब्रेक दिए 6-8 महीने का, फिर सर्दी में वापस आएंगे। शहर हमें मतलब शिफ्ट करना पड़ेगा, दूसरे शहर जाना पड़ेगा। सवाल चल रहा है भाई, अभी हम लोग एक दुकान में आए जिसमें से मुझे ये जूता पसंद आया, ये रहा ये जूता पसंद आया। इसमें ये सारी वैराइटीज है लेकिन प्राइस सबके सेम है ऑलमोस्ट ना, मतलब 3500 के दर 3500-4000 के दरमियान में। यहाँ पे जुबैर की बहुत याद आ रही है, उसकी दुकानदारी की। यार कर लो यार, डिस्काउंट कर लो यार, 1000 तो करवा देता, हमसे हो ही नहीं। यार जुबैर तुम जहाँ कहीं भी हो, सुन रहे हो तो इधर आ जाओ। मामा ने लास्ट 3000 करे तो ये हमारे बजट से थोड़ा सा बाहर हो रहा है। कोशिश कर रहे हैं हम ये 2000 में आ जाए, इंशाल्लाह आ जाएगा। मामा करेंगे ना, ये मामा हमारा डिस्काउंट नहीं होगा। गर्मी भी ज्यादा, प्राइस भी ज्यादा, अब हम क्या करें। लेकिन अच्छा जूता है, जूता सारा अच्छा है। अनस जो है कह रहा है कि मैं जूता टेस्ट कर ही देना चाहता हूँ, तो मामा इसको टेस्ट करवा रहा है। अच्छा, जब आप जूते यहाँ पे ट्राई करते हो ना, तो आपको ये जापान का मतलब सॉक्स पहनाते हैं, ये थैली नुमा, ये शॉपर है, ये जापान का सॉक्स नहीं है। और जब ये कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है या सिर्फ अच्छा है? यार नीचे से तो अच्छा है, ऊपर से अच्छा नहीं है। मैं कैमरा नीचे कर रहा हूँ तो मजा आ रहा है, ऊपर कर रहा हूँ तो बोलो ये क्या है, मतलब सही लग रहा है, मैच नहीं कर रही है शक्ल जूते से। हाँ भाई क्या कहते हो, सही है? अच्छा है, सही है, दे दो यार मामा 2000 में दे दो यार। भाई ये जूता मेरे ना दिल पे लग गया, और मामा से अभी बार्गेनिंग चल रही है लेकिन मामा दे नहीं रहे। मामा दे दो यार, खत्म करो बात। उधर में पैसे लेकर आया करो यार, ये अजीब, 1000 रुपए तुम्हारे पास पैसे है नहीं, बात कर रहे हो तो। लेकिन यार जूता अच्छा है, दे दो यार भाई। ना चाहते हुए भी हमें उस दुकान से जाना पड़ा क्योंकि मामा 3000 से बिल्कुल भी कम कर नहीं रहा। तीन तार्दन उससे कम कर ही नहीं रहा, और वो 3000 का असल में जूता है नहीं, 2000 मैक्स यार, मतलब 3000 थोड़े ज्यादा हो जाएंगे। अभी वही सीन होने वाला है जो एक बार पहले भी हो चुका है, उसके लिए आप लोग यूट्यूब पे जाएं, लिखे अनस स्पेशल शूज व्लॉग, और एक 3 साल पुरानी वीडियो मिलेगी आपको, उसमें ये बच्चा होगा, वो वीडियो खोले उसके आखिर में जाके देखें क्या हुआ था। वही मुझे लग रहा है आज भी होने वाला है। नहीं नहीं आज इंशाल्लाह वैसा नहीं होगा, मैं लेके जाऊंगा 3-4 दिन में भी लेके जाऊंगा। अभी क्या टाइम गाड़ी में टाइम तो सही है नहीं आपकी, बातें करवा लो। अभी हम लोग लाइट हाउस की एक और शॉप पर आए जहाँ पर मुझे एक जूता देखा है, लेकिन ओरिजिनल और इसमें ज्यादा फर्क नहीं है पैसों में। ये जूता है, जूता बहुत अच्छा है लेकिन 6000 रुपए। सुनकर मुझे लग रहा है आपको अफसोस हुआ होगा, लेकिन कह रहे मुजहर भाई के दिल पे ऐसी चोट लगी थी अभी। अनस ने कहा कि हमारी रेंज इतनी है, अनस से रेंज बताई तो वो कह रहे रेंज में चप्पले आएंगे। अबे भाई 4000 रुपए की चप्पले होती है, 2000 रहने दो। चलो खुद ने मुझे बोला कि एक जूता लेना लाइट हाउस में 2000 का मिल जाएगा, मैं 2000 रख के ले आया। क्या करता यार तू, बंदा ऊपर 5000 रखता है ना। रहने दो कि भाई, यहाँ पे हम लोग को 2 जूते पसंद आए थे, एक ये मुझे ग्रीन वाला और एक ये ले लो, ये पैक भी हो गया और मैंने करवा लिया। अच्छा ये हम लोगों ने करवा लिया, ये भाई कम नहीं कर रहे थे इसमें, तो ये वाला डन हो गया। दोनों सेम ही कलर चेंज है, क्वालिटी अच्छी है अंदर से, ये अच्छी है, तो मैंने ये वाला जूता डन कर लिया। खुश हो भाई, अब आप ले लिया मैंने तुम्हारे जूते, मैं भी खुश हूं फिर भी। लेकिन आप पिछली वीडियो का जो बोल रहे थे, मुझे बहुत गर्मी लग रही है बस। चलो भाई ओके भाई, अपने जूते का काम तो हो गया है, बाकी उजैर भाई को बड़ी खुशी है मेरे जूते के। ये रहा मेरा जूता, जैफा सही है, अच्छा है। चले भाई अब, अंदर से बहुत खुशी है लेकिन मुझे बुखार हो रहा है यार। असल में रोजा मुझे काफी लग रहा है, सही है मतलब नॉर्मल है, लेकिन प्यास बड़ी लग रही है, भूख तो नहीं लग रही। खैर है चलते हैं, इतना चलता है, चले उधर भाई। चलो चलो भाई। A few moments later. Okay, so now we reached at home. भाई यहाँ पे लाके जूते उते सब कुछ फेंक दिए, उजैर भाई भी आके लेट गए। उजैर भाई बोले भाई अब मुझे सिर्फ सोने दो, और मेरी आईज आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल रेड हो रही है क्योंकि मैं पूरी रात नहीं सोया, व्लॉग बनाया था आज मुझे, मतलब बिल्कुल ना अंदर से मोटिवेशन आ रही थी, और उजैर भाई ने दी थी। थैंक यू सो मच उजैर भाई। और यार बस अब मैं सोऊंगा, इस तारीख के टाइम पे उठूंगा, अभी 2 बज रहे हैं, 5 घंटे 7 बजे होगी, क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही है यार। इफ्तारी के वक्त बात करते हैं। 2000 years later. खैर भाई उजैर भाई तो अपने घर चले गए, मैंने भी अफ्तारी कर ली है, और यार आज जो थकन हुई है ना, दिल चाह रहा है बस और सोने का, बस दिल चाह रहा है। खैर बस आज के ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, अगर आपको मेरा ब्लॉग लाइक जरूर कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो, अल्लाह हाफिज़।